मुजफ्फरनगर में नई मंडी कोतवाली इलाके में गैस पाइप फटने से हुई विष्णु की मौत से परिजनों और स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा है। विष्णु के परिजनों ने महावीर चौक पर डेड बॉडी सड़क पर रखकर मुआवजे की मांग को लेकर जाम लगा दिया है, जिसके बाद पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचकर परिजनों को समझाने की कोशिश की। वहीं महावीर चौक पर पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट अनुप कुमार ने मृतक के परिजनों से बातचीत की, जिसमें स्थानीय लोगों ने मृतक की पत्नी को प्रशासन से ₹5 लाख का मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की डिमांड की है। दरअसल सोमवार देर रात नई मंडी थाना इलाके में भोपा रोड पर श्री राम स्वीट्स के पास गैस पाइपलाइन का प्रेशर चेक करते समय हादसा हो गया था, जिससे वहां से गुजर रहे एक विष्णु कक की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि एक युवक घायल हो गया था। पुलिस ने विष्णु की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। पोस्टमार्टम के बाद जब पुलिस ने शव परिजनों को सौंपा तो उन्होंने शव को महावीर चौक पर रखकर जाम लगा दिया, जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। ऐसी सूचना मिली थी कि एक लड़के का गैस पाइपलाइन का यहाँ पे काम हो रहा है मंडी क्षेत्र में। वहाँ पाइपलाइन को साफ करने के लिए एयर प्रेशर मशीन लगी हुई थी, उसमें कुछ शायद ब्लास्ट हुआ जिससे वो लड़का डिसबैलेंस हो गया, बाइक से जा रहा था और पेड़ से टकरा के उसकी मृत्यु हो गई। इसी क्रम में लड़के के परिजन उसको डेड बॉडी को लेके महावीर चौक पे जाम लगा दिए थे महावीर चौक पे लेके जाम लगा दिए थे। उनसे वार्ता हुई, वार्ता के क्रम में वो लोग मान भी गए और वहाँ से जाम हुआ खोल लिए, डेड बॉडी उनके इस समय घर चली गई। सर, मृतक की पत्नी की डिमांड है कि 50 लाख मिले और सरकारी नौकरी मिले। देखिए, जहाँ तक डिमांड की बात है, वो जो भी नियमानुसार होगा, जो सरकारी प्रोविज़न होगा और जो नियमता देय होगा वो मिलेगा। अगर नियम कहता है उनको मिलना चाहिए तो मिलेगा। इंद्रप्रस्थ गैस की तरफ से भी कोई मिलेगा लिमिटेड? उसके तरफ से उनसे उनके अधिकारियों से वार्ता की जाएगी और कोशिश किया जाएगा कि कुछ उनको लाभ मिल जाए, क्योंकि वो बहुत गरीब परिवार के हैं।